इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था आपको कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स के बारे में बताया था, और उससे हमने तीन चार सम भी किए थे, तो उसी से रिलेटेड आज भी हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड प्रॉब्लम्स है वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 7 एंड 16, बोथ 7 एंड 16, why each other number, why each other number will that number be, will that number be divisible? और भी डिविजिबल, ठीक है। तो इस बार उसने क्या दे रखा है कि 7 और 16 से दोनों से वो डिविजिबल है, तो वो ये पूछा कि कोई और ऐसा नंबर है जिससे वो नंबर जो है डिविजिबल है, इन दोनों के अलावा और कौन सा नंबर है, ये पूछा है। तो जब भी इस नंबर क्वेश्चन पूछता है तो हम क्या करते हैं, उसने उसने डिविजिबिलिटी की क्वेश्चन किए, तो हम पहले 7 के बारे में देखें, 7 क्या है, प्राइम नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं, 1 इंटू 7 लिख सकते हैं सीधे से, ठीक है। तो ये हमने 7 को लिखा, उसके बाद क्या है वहाँ पे 16, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे लिखोगे, 2 इंटू या पहले तो 1 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 उसके बाद 2, तो ये 16 का प्राइम फैक्टर्स है। तो अब हम इसमें ये ढूंढेंगे कि कॉमन कौन सा है, तो कॉमन कौन सा दिख रहा है, सिर्फ 1 ही कॉमन दिख रहा है, और कोई नंबर कॉमन है क्या इसमें, और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, अगर कोई और कॉमन होता तो उसे भी कॉमन लेके और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते और वो हमारा क्या हो जाता है, रिक्वायर्ड नंबर होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में, 1 कॉमन दिख रहा है, तो वो पूछ रहा था कि और कौन से नंबर है जिनसे वो नंबर जो है डिविजिबल है, तो और कौन सा नंबर दिख रहा है, सिर्फ 1 दिख रहा है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर क्या होगा, 1, मतलब वो जो नंबर है 7 और 16 के अलावा 1 से सिर्फ डिविजिबल है और कोई भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन था, अब दूसरे नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, नंबर इज डिविजिबल बाय 24, क्वेश्चन नंबर सेकंड, नंबर इज डिविजिबल बाय 24, why what other number, why what other number other numbers will that number be divisible, other numbers will that number be divisible। और जैसा हमने अभी ऊपर में किया था उसमें दो नंबर दिए हुए थे, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, सिर्फ एक ही नंबर दिया हुआ है, तो अभी हमने दो नंबर का देखा, तो दो या दो से ज्यादा भी रहेगा तब भी हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन जब एक नंबर दिया हुआ रहेगा तब हम क्या करेंगे वो देखेंगे यहाँ पे। तो एक नंबर जो है 24 से डिविजिबल है, तो उसने क्या बोला है कि और कौन सा अदर नंबर है जिससे वो नंबर वो डिविजिबल होगा, तो जब एक नंबर होगा तो भी हम क्या करेंगे इसके 24 इसके फैक्टर्स इसके लिखेंगे हम मल्टीपल्स लिखेंगे, तो इसका क्या होगा मल्टीपल्स, जब एक रहता है तो हम क्या लिखते हैं उसमें मल्टीपल्स लिखते हैं, जब दो रहता है या दो से ज़्यादा होता है तब हम क्या लिखते हैं उसका फैक्टर्स लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 24 कैसे लिखेंगे, 1 तो होगा ही, इसके बाद इससे मल्टीपल्स 2, उसके बाद 3 भी है, 4 भी मल्टीपल्स नहीं आता है, ठीक है, उसके बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद और 12 के बाद 24, तो ये 24 के मल्टीपल्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24, यहाँ पे भी मल्टीपल्स हैं, तो यहाँ पे 1 हो गया, 2, 4 एंड 16, ठीक है, इसमें भी मल्टीपल्स लिखने थे और इसमें भी मल्टीपल्स, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12 एंड 24, तो
ध्यान से देखिए, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया था कि वो नंबर जो है 24 से डिविजिबल है, तो हम बार बार 24 तो नहीं लिख सकते, तो वो नंबर जो है किस किस नंबर से डिविजिबल होगा, से ये जो यहाँ से दिख रहा है यहाँ पर, ये सारे नंबर से वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। मतलब द नंबर इज डिविजिबल बाई 1, 2, 3, 4, 6, 8 एंड 12, तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये नंबर जो है वो इन सिक्स मतलब सेवन नंबर से डिविजिबल हो गई, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तो जब दो था वो भी हमने मल्टीपल्स लिखा था, कॉमन जो था उसको हमने यहाँ पे दिया था, ठीक है। यहाँ पे एक ही नंबर था तो हम क्या किया, यहाँ पे क्या किया, हमने जिस नंबर से वो डिविजिबल हो रहा था उसको छोड़ दिया, तो बाकी बचा वो सारे नंबर से वो नंबर क्या था, डिविजिबल। तो दो क्वेश्चन हमने इस पे किए। अब नेक्स्ट जो है हमारा दूसरा टाइप के क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में तो यहाँ पे फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स, व्हिच डिवाइड्स 615 and 963, leaving remainder 6 in, leaving remainder 6 in each case, 6 in each case, ठीक है। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और उसमें हम देखते हैं कि वहां पे लार्जेस्ट दिया हुआ है या फिर स्मॉलेस्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था लोअर कॉमन मल्टीपल और एक क्या पढ़ा था, हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे लार्जेस्ट बोल रहा है, तो हमने एचसीएफ का दूसरा नेम भी पढ़ा था, है ना, तो उसमें हमें यहाँ पे लार्जेस्ट यूज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एचसीएफ यूज करने वाले हैं। जब भी स्मॉलेस्ट बोलेगा तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एलसीएम यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो उसने यहाँ पे रिमाइंडर भी दे रखा है, कितना रिमाइंडर इस केस में कितना लिविंग होता है, 6 होता है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, रिमाइंडर को माइनस कर लेंगे, जो बचेगा वो नंबर तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा फिर, है ना, इसलिए हम रिमाइंडर को पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो पहले रिक्वायर्ड नंबर कितना होगा, अगर रिमाइंडर हमें 6 चाहिए तो अब क्या करेंगे, 615 में से क्या करेंगे, 6 को माइनस कर लेंगे, कितना बचा, 609, ठीक है। ओके, रिमाइंडर कितना बचा था, 6। रिमाइंडर क्या होता है, वो डिवीजन होने के बाद जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर रिमाइंडर माइनस हो जाए तो वो नंबर उस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, जैसा कि हमने सी और एससी में देखा था, है ना। तो यहाँ पर भी वैसा ही होगा, अगर हम 6 माइनस करते हैं तो हमारे पास नंबर कौन कौन सा है, 609, और दूसरा नंबर क्या है, 963 माइनस 6, 957। तो ये दो नंबर हैं जो कि 609 और 957 है, वो जब हम उस वाले नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है, इस केस में 6 रिमाइंडर बचता है। और जब भी लार्जेस्ट नंबर पूछता है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्या होगा, required number equal to HCF of HCF of let me write it from HCF of compost number is 609 and 957। तो ऐसे कोई भी तरह से आप इसको निकाल सकते हो, आप चाहे तो प्राइम कंपैरिजन यूज कर लो, नहीं तो फिर डिवीजन यूज कर लो। तो हम यहाँ पे डिवीजन यूज करते हैं, यहाँ पे तो क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 600, इसमें छोटा कौन सा दिख रहा है, 609, ये हमारा डिवाइजर होगा, डिविडेंड कौन सा है, 957, ठीक है। तो हम ये यहाँ पे कितना आएगा, 609 बन जाए, 609 क्योंकि टू टाइम्स आएगा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 609 यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कितना होगा ये 17 माइनस 9 8, 17 माइनस 9 कितना होगा, 8, यहाँ पे कितना आया, 4, ठीक है। और यहाँ पे 4 तो 9 माइनस 6 कितना आया, 3। तो
हमारे पास कितना बच्चों 348, और 348 से हम ये हमारा क्या बन जाएगा डिवाइजर, और डिविडेंड कौन सा 609, 609 हमने यहाँ पे अप्लाई किया, 348 बन जाए 348, टू जा करें तो 609 से ज़्यादा मिलेगा, तो बन जा करते हैं 348 कितना आएगा 16, फिर 2, फिर 261 से हम डिवाइड करेंगे कितने में 348 में, 348 में तो कितना होगा, फिर से बन जाए लगाइए कितना आएगा 261, फिर कितना आएगा 7 आएगा बच्चों, फिर 87, फिर यहाँ पे कितना मिल गया 0, और कितना है 261 प्लस हमारा क्या बन जाएगा डिवाइडर, 87 3 कितना होता है 261, मतलब एचसीएफ कितना है बच्चों हमारा, एचसीएफ इक्वल टू कितना है, एचसीएफ कौन सा होता है जो यहाँ पे रिमेनिंग रहता है ना, जिससे डिवाइड करने के बाद लास्ट में कुछ नहीं बचता है, मतलब 0 बचता है, उसको हम क्या बोलते हैं एचसीएफ, तो हमारा आंसर कितना होगा बच्चों 87। तो जब भी इस तरह का लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का मीनिंग होता है एलसीएम और एचसीएफ, अगर लार्जेस्ट होता है तो एचसीएम, स्मॉलेस्ट होता है तो एलसीएम, और जब भी वो रिमाइंडर बोले तो रिमाइंडर में हम क्या करते हैं, रिमाइंडर क्या होता है जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है डिवीजन करने के बाद उसको हम क्या बोलते हैं रिमाइंडर, तो सबसे पहले हम उसी रिमाइंडर को माइनस करके रिमूव कर लेंगे ताकि जो रिमेनिंग नंबर है वो क्या हो जाएगा उस नंबर से डिविजिबल हो जाए, क्योंकि उसका क्या वो एलसीएफ है, और एलसीएफ जिस दोनों का नंबर था हम एलसीएफ फाइंड करते हैं वो नंबर जिस नंबर से हमने एचसीएफ फाइंड किया उन सारे नंबर को क्या करता है वो डिवाइड करता है, इसलिए हमने पहले 6 माइनस कर दिया, फिर हम दोनों का हमने क्या ले लिया एचसीएफ ले लिया, अब ध्यान से देखिए 87 को आप इसमें डिवाइड करो 615 में, जब भी आप 87 से 615 में डिवाइड करोगे हमेशा आपको रिमाइंडर कितना देगा 6 देगा, नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे 87 से आप डिवाइड कीजिए 615 में कितना होगा 87 8 सिलेंडर 87 सिलेंडर लेते हैं 609, मतलब हमारा जो यहाँ पे सम था हमने जो सॉल्व किया इसे वो हमारा सही था, ठीक है। तो ऐसे ही हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड किया है, एक क्वेश्चन आपके लिए ऐसा ही मैं छोड़ के रखूँ ताकि आप उसको कल खुद से कर सकें, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है इसी तरह का है, दूसरा क्वेश्चन इसमें है लार्जेस्ट नंबर ये दी है, ठीक है, तो डिफरेंस क्या है इस क्वेश्चन में, मैं इसी क्वेश्चन को लिखता हूँ, ज्यादा लिखना नहीं पड़े, ये हमारा होमवर्क हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 285 एंड 1249 लिविंग रिमाइंडर 9 and 7, लिविंग रिमाइंडर 9 and 7 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। चलो इसका मतलब क्या होगा, इस बार हम रिस्पेक्टिवली, तो इस बार ध्यान से देखेंगे उसने रिस्पेक्टिवली बोला है, तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम 285 में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना देता है 9, और जब 1249 में हम उस नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना देता है जो 7, तो हम यहाँ पे 6 पहले की तरह नहीं करेंगे, इसमें हम 9 माइनस करेंगे और इसमें हम क्या माइनस करेंगे 7 माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बचेगा उसका हम क्या फाइंड कर लेंगे एचसीएफ और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है जो कि आपके लिए हमने रखा है यहाँ पे ताकि आप इसे खुद से कर सकें, ठीक है। तो इसको आपको करके लाना है और यही पे जो है अप्लाई करना है, सिर्फ डिफरेंस सिर्फ यहीं पे है, ठीक है, तो ये आपको खुद से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना चाहते लिख लीजिए, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 626 8127 एंड 15628,
and lips remainders and lips remainders and lips remainders. Percussion effect 1, 2 and 3 respective. क्या बच्चों तो ऊपर के क्वेश्चन की तरह ही है, मतलब अगर अभी आप अच्छे से देखते हो तो आपका फोर्थ क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। हाँ, मतलब आपको अभी ध्यान से देखना है कि कैसे करना है ये फिफ्थ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या है बच्चों, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, मतलब फिर से हमारा एलसीएम आने वाला है, ठीक है, फिर से हमारा एलसीएम देखने वाला है। क्या लिखा हुआ, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 626 3127 एंड 15000 628, फिर से मैं चेक करता हूँ, वही तो नहीं है क्या, 15,600 लिप्स रिमाइंडर 1, 2 और 3 रेस्पेक्टिवली। तो जैसा हमने अभी देखा, पहले हम क्या किए थे, जो भी रिमाइंडर में रहता है बच्चों उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, जो भी रिमाइंडर में दिख रहा है उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मैं इधर का क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ पहले, दूसरे भी क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे 2 रिमाइंडर मिल रहा है, मतलब 2 माइनस करें तो कितना बचेगा बच्चों, 3125, ठीक है। अब आगे क्या दे रहे हैं, 15628, तो 15628 में कितना माइनस कर रहे हैं, 3, तो कितना होगा 15625, ठीक है बच्चों। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर कौन कौन सा है, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर, इसका एलसीएम हमारा रिक्वायर्ड नंबर। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले किया था एलसीएम, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करने वाले हैं किसका, तो 625 2 कितना होता है, 1250, 2 माइनस 0 13 यहां पे, और यहां पे कितना आ गया जो 5 आ गया ऊपर से। अब 625 5 कितना होगा जो 13125, मतलब यहां पे भी क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो एचसीएफ कितना दिख रहा है जो, एचसीएफ इक्वल टू कितना आया, 625, एचसीएफ इक्वल टू 625, मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो भी कितना होगा, 625। सो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू तो उसको हम क्या करेंगे, पहले माइनस कर लेंगे, और अगर वो स्मॉलेस्ट पूछता है तो एलसीएम, और लार्जेस्ट पूछता है तो क्या क्या फाइंड करेंगे बच्चों, हम उसका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यही हमारा इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 5 क्वेश्चन कर लिए हमने। ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इसको हमें ध्यान से देखना है सारे क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था।
हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है, इसमें दिया हुआ है द लेंथ, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम इज, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम इज, कितना बच्चों हाइट ऑफ रूम इज 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। उसके बाद है 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है एंड 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, एंड 4 मीटर 50 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन ठीक है बच्चों रिस्पेक्टिवली, देन डिटरमाइन द लार्जेस्ट रॉड, देन determine the ये क्वेश्चन लगभग सारे स्कूल्स के बुक में दिए रहते हैं ना, then determine the largest rod which can measure the three dimensions, which can measure the three dimensions of the room exactly, of the room exactly, ठीक है बच्चों। तो उसने क्या बोला है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखा है, और वो बोल रहा है कि सबसे छोटा रॉड कौन सा होगा, ठीक है। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, इसके फाइंड द डिटरमाइन द लार्जेस्ट रॉड व्हिच कैन मेजर द थ्री डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली, ठीक है। तो हमें लार्जेस्ट रॉड का लेंथ फाइंड करना है, तो पहले उसने रूम का डायमेंशंस दे दिया है, क्या दिया है लेंथ कितना है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मेजरमेंट है रूम का, और हमें इसको मेजर करने के लिए हमको इसे मेजर करने के लिए एक रॉड की जरूरत है, हाँ। तो वो पूछ रहा है कि सबसे लार्जेस्ट रॉड कौन सा होगा जिससे हम पूरे रूम के डायमेंशंस को मेजर कर सकें, है ना, ये पूछ रहा है। रॉड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में भी आप ले सकते हो, आप टेप की बात कर सकते हैं जिससे हम लेंथ को मेजर करते हैं ना, वो टेप होता है, तो यहाँ पे रॉड की जगह आप टेप भी यूज कर सकते हो, ठीक है। वो बोल रहा है कि सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा लेंथ कितना होना चाहिए उस रूम के थ्री डायमेंशन को मेजर करने के लिए, वो उसकी बात कर रहा है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे दिया हुआ है हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों, तो वो हमारा कुछ आसानी हो जाएगा वहां से करना, ठीक है। तो उसने क्या दे रखा है, मीटर में दे रखा है, तो लेंथ कितना है इसका, लेंथ इक्वल टू, अब हम इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, तो इसमें लेंथ कितना है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना हो जाएगा अगर हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, तो 800 प्लस 20, 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर, 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर प्लस 25 कितना 825, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 800 प्लस 25,
800 प्लस 25 कितना होगा बच्चों 825 सेंटीमीटर ठीक है। ऐसे ही ब्रेथ कितना होगा इसका 6 मीटर 75 कितना है 6 मीटर 75 सेंटीमीटर तो कितना होगा 600 प्लस 75 कितना 675 सेंटीमीटर ठीक है बच्चों। ऐसे ही उसने फिर 4 मीटर 50 सेंटीमीटर की बात की है एच में तो 4 मीटर 50 सेंटीमीटर कितना होगा ये 400 प्लस 50 मतलब 450 सेंटीमीटर। तो ये हमारा लेंथ ब्रेथ और हाइट इसका लेंथ हमने ब्रेथ हमने और हाइट हमने फाइंड कर लिया सेंटीमीटर। अब वो लार्जेस्ट रॉड का लेंथ फाइंड करने के लिए बोल रहा है मतलब रॉड एक टाइप का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लेंथ को मेजर करते हैं। तो जब भी इस तरह से लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट बोले तो हमने पहले भी बोल दिया था कि जब भी क्वेश्चन में अगर लार्जेस्ट आता है तो वहां पे एलसीएम फाइंड करते हैं स्मॉलेस्ट आता है तो एलसीएम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे यहाँ पे लार्जेस्ट की बात कही है उसने तो हम इसकी बात करेंगे एलसीएम की। तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ रॉड कितना होगा अब क्या फाइंड कर लेंगे इसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे छोटा इसमें कौन है बच्चों 825 675 एंड 450 में सबसे छोटा कौन है 450 से हम किसमें डिवाइड करें 450 से किसमें डिवाइड करना पड़ेगा हमें छोटा कौन सा 450 और उससे बड़ा कौन सा दिख रहा है 675 यहाँ पर 675 हमने लिख दिया 450 वन टाइम्स लगाया ठीक है बच्चों। तो 450 यहाँ पे लगाया तो कितना हो गया वन टाइम्स में माइनस किया 522 अब 225 है यहाँ क्या है 450 225 टू जो कितना होता है 450 सेंटीमीटर माइनस किया कितना है बच्चों जीरो मतलब ये दोनों का एचसीएम कितना दिख रहा है 225 सेंटीमीटर दिख रहा है। अब हम आते हैं कहाँ पे इन दोनों का होगा 825 पे आते हैं तो 225 से आप इसमें अप्लाई करेंगे हम 825 225 फोर जा कितना होगा 850 हो जाएगा है ना ज्यादा हो जाएगा तो 3 जा ही अप्लाई करके देखते हैं है ना 225 3 जा कितना होगा 2675 5 3 जा 15 5 3 जा 15 का 5 1 7 8 2 जा 6 माइनस करेंगे कितना होगा 0 5 और 1 ठीक है 150 से फिर 225 में हम अप्लाई करेंगे तो 150 टू जा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा हमको 1 जा ही करना पड़ेगा तो 150 1 जा कितना होगा बच्चों 150 माइनस करेंगे तो कितना 5 7 और यहां पे कितना मिलेगा 0 मतलब हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं कैंसिल किया हमने फिर 75 है और यहां क्या है बच्चों 150 तो 75 टू जा कितना होगा बच्चों 150 मतलब माइनस करने पे कितना मिला 0 तो एचसीएम कितना दिख रहा है बच्चों जब हम तीनों का एचसीएम हमने फाइंड किया तो एचसीएम इक्वल टू कितना मिला हमें HCF equal to 75 सेंटीमीटर हाँ तो ये जो HCF है यही हमारा required answer है। तो हम क्या लिखेंगे the length of the largest rod is equal to कितना होगा 75 सेंटीमीटर ठीक है। मतलब अगर 75 सेंटीमीटर का टेप हो हमारे पास तो हम जितने भी मेजरमेंट के हैं ये रूम के वो सारे मेजरमेंट हम कर सकते हैं ठीक है ये थ्री का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट कैसा होता है किसी भी रूम में इस तरह से होता है। तो ये हमारा अगर हमारा इस तरह से थ्री सेशंस वर्क करते हैं तो मान लो कि यहाँ पे हमारा लेंथ है ये हमारा इस तरह से ये हमारा क्या हो गया ये हमारा लेंथ हो गया और ये हमारा ब्रेथ और ये हमारा क्या हो गया हाइट यहाँ से थीटा इसमें दिख रहा है ये हमारा क्या हो गया लेंथ या फिर यहाँ से देख सकते हैं हमारा लेंथ हो गया ये हाइट हो गया और ये क्या हो गया बच्चों ब्रेथ हो गया। तो इसकी बात ही कर रहा है मतलब ये लेंथ है ये ब्रेथ ये हाइट है और ये ब्रेथ है ठीक है। तो जब भी इस तरह का लेंथ हमें फाइंड करना थ्री डायमेंशन की बात करेगा और थ्री डायमेंशन इस तरह से दिए रहेंगे तो हम उसका पहले क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे उसका एचसीएफ फाइंड करेंगे और जो एचसीएफ होगा वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ दी रिक्वायर्ड मेजरमेंट ऑफ दी लार्जेस्ट रॉड होगा ठीक है। तो वो इसी लेंथ ब्रेथ और हाइट की बात कर रहा था ये रूम का साइज ऐसा होगा ये हमारा लेंथ ये ब्रेथ हो गया और ये क्या हो गया बच्चों हाइट हो गया। इसको मेजर करने के लिए 75 सेंटीमीटर का लार्जेस्ट रॉड का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 6 तक।
करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। वैसे हाँ ना, तो ये क्वेश्चन हमें लगता है आपके लिए ही छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या है बच्चों, अ रेक्टेंगुलर कॉर्ड यार्ड, अ रेक्टेंगुलर या द रेक्टेंगुलर कॉर्ड यार्ड इस 20 मीटर 16 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ कितना है 20 मीटर 16 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों 20 मीटर 16 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है उसका कितना, ब्रेथ 15 मीटर 60 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों 15 मीटर 16 सेंटीमीटर 60 है, हाँ ये 60 नहीं है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट कितना बच्चों, हाइट इक्वल टू लेंथ कितना दिया है, ब्रेथ दिया है, अच्छा इसमें हाइट नहीं दिया है, ठीक है तो वो रेक्टेंगुलर है तो हाइट क्यों देगा, इसमें रूम की बात तो की नहीं है, रेक्टेंगुलर कोड यार्ड है, उसमें लेंथ दिया है क्या 20 मीटर 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ 15 मीटर 60 सेंटीमीटर। और क्या पूछ रहा है, इट इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर स्टोन्स, इट इज टू बी पेव्ड, पेव्ड मतलब स्क्वायर स्टोन बिछाते हैं उसमें, है ना, स्टोन्स देखे ना छोटे छोटे, उसको वो साइज कैसा है स्क्वायर स्टोन का, ये स्क्वायर की तरह, स्क्वायर देखे ना कैसा होता है, किस तरह का आपने सीखा होगा 3D डायमेंशन में कैसा होता है वो स्क्वायर, सारे साइड इक्वल होते हैं, उस तरह के स्टोन्स उस पर पेव्ड किए गए रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड, ठीक है रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड मतलब एक एरिया है रेक्टेंगुलर के जैसा, उस पर स्क्वायर के छोटे छोटे स्टोन्स पेव्ड किए गए मतलब बिछाए गए उस पर, ठीक है। तो इट इज टू बी पेव्ड विथ स्क्वायर स्टोन्स, विथ स्क्वायर स्टोन्स ऑफ सेम साइज, ऑफ सेम साइज, और उसके बाद क्या दिया बच्चों, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच स्टोन्स, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच स्टोन्स, पॉसिबल नंबर ऑफ सच स्टोन्स, ठीक है बच्चों। तो कितना स्टोन्स लगेगा उस रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड में वो पूछ रहा है, कितना स्टोन्स लगेगा उसमें, और उसने लिस्ट की भी बात कही है, तो यहाँ से आपको कुछ सोचना है, लिस्ट पॉसिबल साइड ऑफ स्क्वायर स्टोन्स, लिस्ट पॉसिबल अब सेम साइज पूछा है तो पहले साइज फाइंड करेंगे, तो उसके बाद उसमें लिस्ट पॉसिबल साइड ऑफ स्क्वायर स्टोन्स पहले निकालेंगे, उसके बाद कितना स्टोन्स लगेगा वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसने डायमेंशंस दे रखा है और उसने रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड की बात की है, तो पहले हम साइज पे जाएंगे, तो हमें पता तो होना चाहिए कि साइज क्या है स्टोन्स का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टोन का साइज फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा होना चाहिए स्टोन्स कि हम वहां पे बिछा सको उसे, है ना, साइज कितना होना चाहिए स्टोन का। तो जैसे हमने अभी रॉड का क्वेश्चन किया था कि मैक्सिमम कितना साइज होना चाहिए मेजर करने के लिए, तो यहाँ पे भी वही बात है, है ना, वहां पे रॉड था, यहाँ पे स्क्वायर का साइज है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी पहले क्या करेंगे, जो डायमेंशंस दिया हुआ है उसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। आप इस लिस्ट में मत जाओ, ये नंबर पूछा है, नंबर ऑफ स्टोन्स पूछा है, वो साइज ऑफ स्टोन्स नहीं पूछा है, नंबर ऑफ स्टोन्स हम बाद में जाएंगे, पहले हम कहां जाएंगे बच्चों, इसके साइज में जाएंगे, मतलब कितना ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा साइज उस रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड में हम बिछा सकते हैं, ठीक है। तो हम उस पे जा रहे हैं सबसे पहले, तो लेंथ कितना दिया हुआ है बच्चों उसका, लेंथ है इसका इसका लेंथ कितना है 20 मीटर 16 सेंटीमीटर, मतलब 20 मीटर 16 सेंटीमीटर, तो कितना लिखेंगे 2016 सेंटीमीटर, हमने पूरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, उसी तरह इसको क्या बोलेंगे 15 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा 1560 सेंटीमीटर,
अब हमें ये फाइंड करना है कि ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा साइज उस रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड में हम पेव कर सकते हैं, है ना, कितने लेंथ का साइड। तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, एलसीएम फाइंड करेंगे टू फाइंड द साइज ऑफ द स्क्वायर, है ना, स्क्वायर स्टोन्स, है ना। तो पहले हमें सी छोटा कौन दिख रहा है 1560, इससे हम किसमें डिवाइड करेंगे 2016 में, 1 जा किया हमने 1560 को, क्योंकि 2 जा करने पे ज्यादा होता है, तो 6 5 यहां पे 0 0 यहां पे कितना होगा 5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सही है 11 6 9 से 5 का 4 हो जाएगा, और 456 हम किसमें डिवाइड करेंगे 1560 में, 4 जा करके देखते हैं तो ज्यादा आता है, 3 जा करके देखते हैं, हां 4 5 6 3 जा 6 3 जा 18 का 8 1 5 जा 15 प्लस 1 16 प्लस 6 1 4 3 जा 12 प्लस 1 13, ठीक है, माइनस करेंगे 2 कितना आएगा, क्योंकि हमने 6 गया 9, फिर कितना होगा 4 में 6 गया 1, फिर 192 से 4 5 6, तो 192 3 जा करते हैं बच्चों 2 3 जा 6 9 3 जा 27 का 7 2 3 प्लस 2 5 ज्यादा आता है, तो 2 जा करते हैं 2 2 जा 4 384, फिर 2 आएगा 7 आएगा 15 में से 1 गया 7, और फिर 72 से 192 में बच्चों 72 2 जा कितना होता है 144, फिर कितना आया 8, और ये कितना आया 4 48 से 72 में 48 1 जा 48 कितना आया 4 और 2, तो 24 से फिर इसको मैं एज करना इधर का, फिर 24 से किसमें डिवाइड करेंगे बच्चों 24 से 48 में, 24 2 जा कितना आया 48, मतलब एलसीएम कितना आया बच्चों 24। तो जो साइज ऑफ स्टोन होगा मैक्सिमम लेंथ ऑफ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ साइड ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर स्टोन्स, तो आ जाओ बच्चों स्क्वायर स्टोन्स कितना हो जाएगा मैक्सिमम लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर स्टोन्स कितना है बच्चों 24, मतलब 24 सेंटीमीटर के साइड का स्टोन्स उसमें हम बिछाएंगे। अब वो मांग रहा है क्या, नंबर ऑफ द स्क्वायर स्टोन्स पूछ रहा है, ठीक है, तो वो आप एक बार खुद से ट्राई करके देखिए, ठीक है, उसके बाद नहीं होगा तो हम अगले लेक्चर में फिर से इस सब को डिस्कस करेंगे। तो हमने यहां तक कर दिया, अब नंबर ऑफ लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच स्टोन्स फाइंड करना है, तो ठीक है बच्चों, अब अगले लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं।